इस हेयर स्टाइल के लिए हमने बालों पे पहले ब्लो ड्राई किया हुआ है और उसके बाद क्रिम्पिंग की हुई है। अब हम ईयर टू ईयर पार्टिंग निकाल रहे हैं। बालों पे पहले साइन स्प्रे कर ले रहे हैं ताकि जो फ्रिजी हेयर है वो बैठ जाए और छोटे बेबी हेयर्स भी हैं वो हमें हेयर स्टाइल के टाइम डिस्टर्ब ना करें और बालों में एक अच्छी सी शाइनिंग भी ऐड हो जाए। अब कान से करीब 2 इंच छोड़ के हमें एक सी सेक्शन ले लेना है। नीचे के बालों को सेपरेट कर दें। फिर अब ये जो बाल हैं इनसे हमें पतले पतले लेयर निकाल के बैक कॉम्बिंग करनी है। ये नीचे के बालों के हमने गोली बना दी। अब ऊपर जो बाल हमने छोड़ा था सी सेक्शन उसमें से एक पतला लेयर लिया है और सिर्फ रूट्स पे हम बैक कॉम्बिंग कर रहे हैं। और बैक कॉम्बिंग करके फिर से लोवर के स्पेस में लॉक कर रही हूँ। नीचे रख के स्प्रेड भी करते जाएंगे। एक पफॉर्म बनाने के बाद अब हम इसमें लाइंस क्रिएट कर रहे हैं। इस तरह से पूरे बालों में लाइंस बनाने के बाद इसे हम इस तरह से जूड़ा पिन से या यू पिन से हमें होल्ड कर लेना है। इसे अब इसे हार्ड स्पेस से मैं फिक्स कर रही हूँ। अब पीछे बॉब पिन से ऐसे क्रॉस लॉक कर दीजिए। अब हम फ्रंट लेयर में वर्क करेंगे। फ्रंट लेयर को 2 भाग में बांट लेना है ओरिएंटली और इसे अलग से पिन कर लेना है। जड़ों के पास ये बैक कॉम्बिंग कर लेनी है और बैक कॉम्बिंग करके स्प्रे से फिक्स कर लेना है। ट्विस्टिंग टेक्निक से अंदर की तरफ ट्विस्ट कर लेना है और यहाँ पे यू पिन से होल्ड कर लेना है। ये पुलिंग टेक्निक से यहाँ उसके ऊपर हमें लाइंस क्रिएट करना है और उसके बाद फिर स्प्रे से फिक्स करके यू पिन से इसे सेपरेट लॉक कर देना है। इस तरह से फ्रंट वाले एरिया पे आधे बालों को लेना है, इतना छोड़ देना है और इन्हें भी बैक कॉम्ब कर लेना है। बैक कॉम्ब करके स्प्रे कर लेना है। ये फिक्सिंग स्प्रे है जो अपन रूट के पास कर रहे हैं और
शाइनिंग के लिए जो अपन ले रहे हैं ये वही इसका स्प्रे है। इसे भी अंदर की तरह फोल्ड करते हुए यहाँ पे लाके यू पिन से होल्ड करना है। इस पे भी लाइंस क्रिएट करना है। अब ये बचे हुए बालों को इनर फोल्ड करना है और इसे आउटर फोल्ड करना है। फिर इसे दोनों एक साथ ले जाकर पीछे पिन कर देना है। अभी तक के बालों में भी हमें वैक्यूमिंग कर लेनी है थोड़ी। पिन कर देना है। स्प्रे करके थोड़ी देर सूखने दे और उसके बाद बस उंगलियों से ऐसे लाइन क्रिएट कर लें। ये फ्रंट वेरिएशन है। पीछे आप खुले भी कर सकते हैं, कर्ल्स रख सकते हैं, या फिर आपको बन बनाना तो बन भी बना सकते हैं, या स्ट्रेट करके भी छोड़ सकते हैं। मेरे चैनल में ऐसे वीडियोस डले हुए हैं जैसे स्ट्रेटनिंग मशीन से अपन कर्ल बनाए हैं या कर्लिंग मशीन से कर्ल किए हुए हैं, तो वो सब भी आप पीछे के हेयर स्टाइल के यूज़ कर सकते हैं।